Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope everyone is well and I hope that everyone is planning to stay well as well. I hope ki aap mere YouTube ke channel ko subscribe bhi kar rahe hain aur uske sath jo ek notification bell hai use bhi click karte hain. Uske sath mujhe aap log follow bhi kar rahe honge Twitter pe bhi aur Instagram pe bhi aur Facebook pe bhi. अस्सलाम वालेकुम. आई होप कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे. और मैं ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों के फीडबैक की वजह से ही आज इतने फॉलोअर्स और इतना सब कुछ हुआ है. और आपकी फ़ीडबैक के ऊपर बेस्ड मैं वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ. आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि व्लॉग्स ज़्यादा बनाएं और अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस और अपनी पर्सनल बातें शेयर करें. तो हियर गोस, आज फिर आपके साथ एक बड़ी पर्सनल बात शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत टफ है शेयर करना. कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स और अपनी सेंटिमेंट्स भी शेयर करूँ और होपफुली उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली भी दे पाऊँ जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं. आज मैं बात करूंगी मिसकैरेज की. मिसकैरेज एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते. ऑब्वियसली कोई अच्छा या खुश होने वाला टॉपिक तो है नहीं. जो इंसान मिसकैरेज से गुज़रा होता है या जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका होता है, ये चीज़ आपको आपके कोर तक हिला देती है. मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि खैर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी और फिर क्यों कर रही हूँ वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा अराउंड द एंड. हुआ ये कि फैसल और व्हेन फैसल एंड आई गॉट मैरिड, तो क्योंकि हमज़ा मेरी प्रीवियस मैरिज से मेरे बेटे हैं, तो हमज़ा 6 साल का था. फैसल और मेरी शादी हुई, मैंने सोचा कि और जब फैसल मेरी शादी हो रही थी तो मैंने फैसल से पूछा कि और बच्चे होने का क्या कुछ है प्लान ये वो. तो ही सेड कि ऑफ कोर्स अल्लाह की मर्ज़ी है, अगर होते हैं और बच्चे तो वाई नॉट, द मोर द मेरियर. फैसल माशाल्लाह वो 7 भाई बहन हैं, तो ही सेड कि जितने बच्चे हों अल्लाह की देन है, बस मतलब इतने हों कि इंसान उनको संभाल सके और उनको सपोर्ट कर सके और प्रॉपर तरीके से उनकी कफालत कर पाए. खैर ये बात हुई, बात ख़त्म हो गई. कुछ साल गुजरे, मतलब नॉर्मल जिस तरह रूटीन में ज़िंदगी गुजरती है. हमज़ा अपनी पढ़ाई कर रहा था, फैसल के जो पहले 2 बच्चे हैं कमाल दानिया, उनकी भी चीज़ें चल रही थी. तो मतलब एवरीथिंग वाज फाइन. और फिर एकदम से एक दिन मुझे महसूस हुआ कि शायद मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग. खैर मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि सच प्लान नहीं किया हुआ था और उस वक्त तो बिल्कुल भी सोच नहीं रही थी. मैं अपने काम पर अपनी करियर के ऊपर तवज्जो दे रही थी और फैसल भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे पुश कर रहा था कि भाई तुम अपना काम करो, तुम अपनी एक्टिंग को रीस्टार्ट करो ये वो. मैंने कहा ओके, बिकॉज जब मैं पहले सिंगल मदर थी तो ऑब्वियसली मैंने सारी तवज्जो हमज़ा के ऊपर और अपने प्रोग्राम मॉर्निंग शोज़ वगैरह पे दे रही थी. अच्छा अब व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज प्रेग्नेंट, जो लिटरली मैं लगा कि आई माइट बी, चेक कराया सारा कुछ, इन चीज़ों में 3-4 दिन लग गए. जब मैं तो डॉक्टर के पास गई कि जी विद प्लानिंग के बच्चा एट सम पॉइंट, तो कोई आपने मेरा चेकअप वगैरह कराना है, उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट करा लो. मैंने कहा अच्छा करा लेती हूँ. चेक कराया तो पता चला कि आई वॉज 5 वीक्स 6 वीक्स प्रेगनेंट. बड़ी एक्साइटमेंट फैसल को, एक्चुअली सच्ची बात है पहले मैं डर गई. मैंने फैसल को कहा, मैंने कहा फैसल अभी तो मैं रेडी भी नहीं थी. तो उसने कहा हमज़ा जब हुआ तो तब तुम कौन सा रेडी थी, यू आर सो यंग, तो अब तो फिर भी देख लो. तो मैंने कहा खैर चलो अल्लाह का शुक्र है. एक्साइटेड भी, डरी हुई भी, सबको बता दिया क्या आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब एज इन सारे फैमिली में भाई बहन भाई सबको बहुत एक्साइटमेंट. अच्छा वो प्रेगनेंसी थोड़ी सी टफ थी इन द सेंस के तबीयत नौजिया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बॉडी में बहुत पेन हो रही थी, अजीब सी कुछ फीलिंग्स थी. क्योंकि जब मैं हमज़ा के साथ प्रेग्नेंट थी इससे पहले तो मैं बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन में थी. वो प्रेगनेंसी फिज़िकली ज़्यादा कम्फर्टेबल थी, मैं एक बहुत अब्यूसिव मैरिज में थी लेकिन प्रेगनेंसी इन इट सेल्फ मुश्किल नहीं थी. अच्छा
वक्त गुजरा, मेरे एक ड्रामे की शूट चल रही थी बेदरो दीवार की, तो बेदरो दीवार घर, तो उस पर मैं काम कर रही थी उस्मान पीरजादा की डायरेक्शन में। वो भी काम हो रहा था, शूट भी चल रही है, सब कुछ। एक दिन मैं शूट से घर गई तो मेरी कमर में बड़ी दर्द हो रही थी और मेरी टांगों में भी बड़ी दर्द हो रही थी। अब मैं इस स्टेज पे 4 मंथ्स, 4 महीने मेरी प्रेगनेंसी को हो गए थे, तो आई वॉज 4 मंथ्स प्रेगनेंट। मैं घर गई तो मेरी टांगों में दर्द हुई, बैक में दर्द। मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या है। अगले दिन मैं सुबह मॉर्निंग शो पे गई तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा, मैं कहा कैसे था, मेरी तबीयत कुछ ऑफ हो रही है। सिद्रा भी, मेरी जो दूसरी प्रोड्यूसर है, उसको भी मैंने कहा। उसने कहा अगर नहीं करना शो तो ना करो आज। मैंने कहा नहीं नहीं कर लेते हैं। खैर मैं बैठी हुई प्रोग्राम कर रही हूँ, प्रोग्राम के दौरान मुझे ना बहुत बैक में पेन शुरू हुई। खैर मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया और मैंने कहा दर्द बहुत हो रही है, मैं डॉक्टर, तो मुझे कैसे साहब और सिद्रा दोनों डॉक्टर पे ले गए। डॉक्टर पे गए, जब तक फैसल वहाँ पे पहुँचे मेरी मिसकैरेज शुरू, प्रॉपर मिसकैरेज शुरू हो गई थी। और मैंने रात को डॉक्टर को फ़ोन किया था और डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई स्पॉटिंग वगैरह नहीं हो रही तो इट्स ओके, कभी कभी होता है, तुम थक गई होगी। मैंने कहा अच्छा। अब हमजा के साथ जब मैं प्रेगनेंट थी मैं तो उछल कूद रही थी एंड एवरीथिंग वॉज फाइन। खैर मैं गई, अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि जुगन आई थिंक यू आर हैविंग अ मिसकैरेज। खैर उन्होंने बहुत कोशिश की, वो बेबी सेव नहीं हो पाया और आई लॉस्ट द बेबी। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस वक्त तो मिसकैरेज हुई, वो सारा कुछ हुआ, वो एक मेडिकल सिचुएशन कंडीशन थी, तो वो सब कुछ हो रहा था। उस दिन रात को जब मैं घर आई हूँ, तो कभी आपने, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे ऊपर उस वक्त क्या गुजरी। मैं कमरे में आई हूँ, अंदर बाथरूम में गई हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया है और मैं ज़मीन पे एक ढेरी में गिरी हूँ और मैं चीखें मार के रोई, चीखें मार के। मुझे लगे कि जैसे मेरा कलेजा फट गया, कि जैसे मेरा दिल किसी ने मेरे हलक से बाहर खींच के निकाल दिया। आई कांट एक्सप्लेन इट। और खैर फैसल अंदर आया, मुझे संभाला, मुझे चुप कराया। अच्छा एक और प्रॉब्लम कि मैंने हमज़ा को भी बताना था कि हमज़ा भैया या बहना आप नहीं आ रहे। वो भी देखे ना बेवकूफ़ी, ओवर एक्साइटमेंट में बेटे को भी बता दिया। हमज़ा को फिर मैंने बताया कि मतलब उस वक्त तो खैर बड़ी मुश्किल से फैसल ने मुझे संभाला। मैं सोई, रात को कोई 5-6 दफ़ा रोते हुए जागी, हिस्टीरिया, हाइपर, समझ ही ना आया कि क्या करूँ। उठ के बैठ जाऊं, बैठी हूं तो लेट जाऊं, फिर उठ जाऊं, फिर आगे पीछे टहलना शुरू हो गई, बोलना शुरू हुई तो बोलती चली गई। फैसल बेचारे को समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करे। और याद रखें उसका अपना दर्द, उसका अपना दुख, क्योंकि औलाद तो उसकी भी थी। वो खुद अपने पेन से गुजरा, मुझे संभाल रहा। अल्लाह उसे खुश रखे मेरे शौहर को, जितना उसने मुझे प्यार से और मोहब्बत से उस वक्त मैं संभाला और आज भी संभालता, क्योंकि वो दिन है और आज का दिन है। कभी कभी रात को जागती हूँ और फैसल को उठाती हूँ और कहती हूँ फैसल पता नहीं बेटा थी कि बेटा था कि बेटी थी। मुझे बेटी का बड़ा शौक है, अल्लाह करे किसी दिन बेटी भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दो बेटे हैं, हमजा है, हसन है। लेकिन मैं अक्सर फैसल को कहती हूँ मुझे लगता है वो मेरी बेटी थी। तो फैसल कहता है कि क्यों तुम बार बार इस तरह से सोचती हो और परेशान होती हो। अच्छा उस मिसकैरेज के बाद जैसे इंसान दीवाना नहीं हो जाता, मैं पागलों की तरह, मेरी अब एक मिशन बन गया कि भाई किसी भी तरह एक और बच्चा अब होना चाहिए, किसी भी तरह। वो जो होता है ना कि वो उस पेन से निकलने के लिए मेरी कोशिश थी कि फास्ट फॉरवर्ड के अंदर एक और मतलब प्रेगनेंसी हो जाए और बस बच्चा हो जाए। खैर अल्लाह के अपने काम है, 1 साल लगा एंड देन आई गॉट प्रेगनेंट अगेन एंड देन हसन माशाल्लाह से पैदा हुए। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती उस मिस कैरेज के बाद मैंने अपने आप को कितना कोसा, अपने आप को कितना बुरा भला कहा। आपको पता है कि उस मिसकैरेज को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं और अब जाके मैंने फिर से एक्टिंग करनी शुरू की है। मेरे से सेट पे ही नहीं वापस जाया जाता था। वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया ज़बरदस्ती किसी भी तरह करके। और आपको पता है मिसकैरेज के नेक्स्ट डे सुबह मैं मॉर्निंग शो में भी लाइव गई, ड्रामे की शूट पे भी वापस गई, काम मैंने अपना पूरा किया। और शायद दुनिया को उस वक्त लगा होगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं थी, अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, क्योंकि
बच्चा दुनिया में आ जाए और उस दुनिया से चला जाए, उस पेन को तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं समझ सकती। और अल्लाह ताला हर किसी को इस दर्द और उस दुख से दूर ही रखे और बचा के रखे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी सेहत वाली खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। लेकिन इस तरह से एक बच्चे को लूज़ करना, इंसान जैसे हिल नहीं जाता, मैं हिल गई थी। और मैं यही कहूँगी कि मिस कैरेज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें सोसाइटी में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब मैंने अपने कुछ चार पांच लोगों से बात की तो बहुत से लोग मिस कैरेज के थ्रू गुज़रते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी कॉमन है, बड़ी बहुत बड़ी परसेंटेज है प्रेगनेंसीज़ की जो मिस कैरेज में एंड होती है, अनफॉर्चुनेटली। और फिर उसके बाद लोग बड़े फजूल कमेंट्स पास करते हैं, तुमने एहतियात नहीं की होगी, तुमने ख्याल नहीं रखा होगा। एक दिन मुझे याद है किसी ने, मेरी अम्मी के एक दोस्त है, उन्होंने एक दफ़ा कहा, दूसरी दफ़ा कहा कि एहतियात कर लेती। तो मैंने कहा आप ये कहना चाह रही हैं मैंने अपने बच्चे को खुद मारा है? नहीं नहीं बेटा मैं ऐसे नहीं। मैंने कहा तो फिर आंटी क्यों कह रही हैं, क्यों बार बार कह रही हैं? कौन सी माँ चाहती है कि उसका बच्चा दुनिया में ना आए? कोई ऐसी माँ नहीं है दुनिया में। सो मिस कैरेज अगर हो जाए तो उसको बुरा नहीं फील कराना चाहिए अगले बंदे को, बल्कि उसको सपोर्ट देनी चाहिए, प्यार देनी चाहिए। उस वक्त इंसान को एक ही चीज़ चाहिए होती है कि कोई गले लगा ले और ये कहे कि सब ठीक हो जाएगा, इंस्टेड कि हम उसको लेक्चर दें और उसे कहें एहतियात करनी थी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई जिस पे गुजर रही होती है, जिस औरत पे और जिस मर्द पे जिन्होंने अपना बच्चा खोया होता है, उनसे ज़्यादा पेन से कोई नहीं गुजर रहा होता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी आप किसी की मिस कैरेज के बारे में सुने या कोई आपके अपना इस चीज़ से गुजरे या ख़ुद भी आप इसमें इससे गुजरे, बात ज़रूर करें, अपनी फीलिंग्स ज़रूर शेयर करें। जिस चीज़ से कि मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ वो ये है कि मेरे शौहर ने मुझे बहुत मोहब्बत दी, बहुत प्यार दिया, मेरी बात सुनी। मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत लाड दिया, मेरी सपोर्ट की, मुझे इस चीज़ में से निकाला। मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन, इन लोगों की सपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन जो बाहर के लोग थे उनके ये जो कॉमेंट्स थे, एहतियात नहीं की होगी, किसने कहा था काम करो, काम छोड़ दो। भाई पूरी दुनिया में लोग काम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, 100 काम करते हैं। जिस रूह में ने इस दुनिया में आना है वो आके रहेगी, और जिस रूह ने नहीं आना, हम कुछ भी कर लें वो नहीं आएगी। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस चीज़ से गुजरे तो उसे मोहब्बत और प्यार दें, और थोड़ा सा ज़बान को लगाम दें, और अगले को बुरा ना फील कराएं। कोई कितना हर्ट हो जाता है आप नहीं जानते। और इंसान मुस्कुरा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में कोई गम या कोई दुख या कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके साथ मैंने अपनी एक बड़ी पर्सनल चीज़ शेयर की, एक ऐसी चीज़ जो मैंने मेंशन तो की है बट कभी उसके बारे में बात नहीं की कि क्या हुआ, क्या गुजरी थी, अभी भी क्या गुजरती है। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे भी अपनी दुआओं में रखा करें, और अपने लिए भी बहुत सी दुआएं मांगा करें, और अल्लाह ताला सबको साहिब औलाद करे और सबकी औलाद को सेहतमंद रखे, आमीन। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को कोई बेनिफिट हो सकता है या कोई उससे रिलेट करके थोड़ा सा अपने आप को बेहतर फील करा सकता है, क्योंकि देखिए मुश्किल वक्त आते हैं लेकिन गुजर भी जाते हैं। आज आपके सामने बैठी हूँ, एक और बच्चा भी हुआ उसके बाद, सो अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो ज़रूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दावस। अब मेरी बुक माँ के मामले एंड मॉम मैटर्स उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में दस्तयाब है। सो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, और इसे पढ़ने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा।